हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे बने रहिएगा। मैं पारस आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद पारस में। गाइस, इस वीडियो में जो है हम व्लॉग बनाएंगे जो कि हमारा है आफ्टर रेन। मैंने पहले व्लॉग बनाया था जो कि था व्लॉग इन रेन, बट ये जो है वो व्लॉग आफ्टर रेन है। तो आज हम मेनली जो है वो फोकस करेंगे पार्क्स पर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बिल्कुल साथ में जो कॉलोनी है वहाँ पर जो पार्क जो है काफ़ी बढ़िया लगते हैं जब जो है बारिश हो जाती है। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम चल पड़े हैं पहले पार्क की तरफ। गाइस, हम चार पार्क देखेंगे। तो पहले मैं जा रहा हूँ फर्स्ट पार्क की तरफ। गाइस, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये व्लॉग जो है वो उसमें मज़ा आएगा। तो गाइज, यहाँ से एंट्री है इस पार्क की। गाइज, ये पार्क उतना बढ़िया नहीं है, बट हाँ ये थोड़ा बड़ा है, खुला है, जिसके कारण यहाँ पर अगर रनिंग करें तो बहुत बढ़िया लगेगा। गाइज, अंदर नहीं मैं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि सांप सूप होंगे इस मौसम में। तो यहाँ तो शुरुआत में ही है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं इसको। और यहाँ देखिए, उधर टेनिस वगैरह खेलते हैं, मतलब बैडमिंटन खेलते हैं, सॉरी, वो जो आप नेट देख रहे हो। तो ये मैं आपको दूसरी पार्क की तरफ ले जाता हूँ। और गाइज, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है रोड। तो काफ़ी बढ़िया लगता है जब ऐसे बारिश हुई होती है या हो रही होती है। तो अभी तो फ़िलहाल धूप निकल रही है, बट हाँ आज एकेडमी से छुट्टी हो गई है मेरे को, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अब बारिश पड़ चुकी है, अब जानते हो ग्राउंड के लिए हो गई होगी। पहले भी हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर इस कॉलोनी की सबसे ख़ास बात ये है, यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है। यहाँ पर जो है जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वो पार्क्स पर किया जाता है। तो गाइज, ये है वो पार्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सेकंड है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। गाइज, अभी मैं इसके भी अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर भी घास जो थोड़ी बड़ी हुई है, और यहाँ पर भी आप जानते हो कि सांप वगैरह का ख़तरा है। तो ये गाइज, आपको मैं ले चलता हूँ थर्ड पार्क की तरफ। तो गाइज, अब जो है मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जो पार्क है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, काफ़ी ज़्यादा पीस है, क्योंकि या आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे जो है गली कितनी जो है ये पीसफुल है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी एजुकेटेड लोग जो हैं वो ये रहते हैं। ये देखिए कितने अच्छे घर है यहाँ पर। गाइज, ऐसी जगहों पर रात को आना जो है वो अवॉइड कीजिए, खासकर अगर आप 18 से नीचे हो, जैसे कि मेरे जैसे यहाँ आप स्टूडेंट हो, खास करके गर्ल्स जो हैं वो अवॉइड कीजिए रात को आना। दिन में जब मर्जी आइए, शाम जैसे आजकल गर्मी है तो 7:30 के बाद यहाँ पर मत आइए, और आजकल वैसे भी जो है बरसात चल रही है तो खतरनाक कीड़े मकोड़ों का डर रहता है। तो गाइज, ये लेफ्ट साइड पर आ चुका है पार्क, वही है, इसके अंदर भी चलते हैं हम। तो गाइज, इस पार्क के अंदर मैं आ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर घास जो है अच्छी तरह कांटा हुआ है, तो शुक्र है कोई एक पार्क मिला। मेरे को तो वैसे उम्मीद थी कि वहाँ पर भी जो है घास ज़्यादा होगा नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, उसका भी हम अंदर से बनाएंगे एक दिन। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो क्रिकेट विद पारस से। क्रिकेट देखना चाहते हो या फिर व्लॉग देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए गाइज, ये कितनी ज़्यादा जो है वो सुंदर है पार्क, ये काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। जैसे कि मैंने बताया, सभी गवर्नमेंट जॉब रिटायर्ड है, सभी एजुकेटेड पीपल हैं। मैं और मेरे फ्रेंड यहाँ पर जो थे वो यहाँ पर आ जाते थे, और यहाँ पर जो शोर करके चले जाते थे जब हम छोटे थे, तो वो भी दिन जो है याद आते। तो इसलिए आप भी जो है कुछ ऐसे जो है लाइफ मोमेंट्स बनाइए कि आपको जो है उनकी याद रहे, और लाइफ खुल के जिए अपनी। झूले कम है थोड़े, बट बहुत बढ़िया यहाँ पर जो। गाइस, मैंने आपको पीछे पार्क दिखाई थी, और ये वाली पार्क, यहाँ पर मैं रनिंग करने आता हूँ,
तो बहुत बढ़िया लगता है। उधर जो है वो जो पिछली पार्क थी वहाँ पर रश काफ़ी होता है, बट अभी नहीं आ रहे होंगे लोग क्योंकि वहाँ पर एक तो घास बड़ा हुआ है और ऊपर से सांप और कीड़ों का डर रहता है क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। तो गाइज़ अब हमने ये पार्क देख ली है तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट पार्क जो कि वन ऑफ माई फेवरेट है, तो आइए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। तो गाइज़ अभी मैं रास्ते पर ही जा रहा था और साइड में मेरे को एक जो है घर दिख घर है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है। तो गाइज़ ड्रीम बड़े देखा करिए, ड्रीम रखिए कि आप ऐसा या इससे भी बढ़िया घर लेंगे। ये देखिए वशिष्ठ हैं ये सब। और गाइज ये जो आप सामने घर देख रहे हो येलो वाला, इसकी डेकोरेशन काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए बहुत बढ़िया डेकोरेशन है इनकी, काफ़ी क्यूट सा घर है ये। ये देखिए और गाइज ये भी काफ़ी पीसफुल जो है वो रोड है, तो यहाँ पर भी रात को जो है आना अवॉइड कीजिए, बट हाँ दिन में आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हो। और गाइज बादल गरजने से लग पड़े हैं। गाइज ये है वो पार्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि मेरी यहाँ पर फेवरेट है। ये क्यों फेवरेट है? क्योंकि यहाँ पर जो है डेकोरेशन बहुत अच्छी है, मतलब कि गार्डनिंग बहुत अच्छी है इनकी। सुपर ग्रीन पार्क नाम है इनका, वो देखिए वो पंजाबी में आगे लिखा हुआ है, वो देखिए वो पंजाबी में आगे लिखा हुआ सुपर ग्रीन पार्क। अगर आपको पंजाबी पढ़नी आती है तो आपको मालूम होगा। और ये देखिए गाइस कितनी सुंदर है। शाम को बहुत रश हो जाता है बच्चों का और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर पेरेंट्स वो यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी बढ़िया बनाया, मतलब ये मेरे को भी बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से इन्होंने जो है कटिंग की हुई है, गार्डनिंग की हुई है। तो गाइज अब हमने सारे पार्क देख लिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर ऐसे ही देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड।